नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि किसी कस्टमर को गोल्ड लोन और होम लोन के बीच में क्या क्या फर्क मद्देनजर रखकर वह प्राप्त कर सकता है। होम लोन लेने के लिए कस्टमर को पहले अपनी जमीनी रजिस्ट्री दिखानी पड़ेगी, उसके बाद उसका एरिया दिखाना पड़ेगा, उसके बाद उसको अपनी बैंक की कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, तो वो होम लोन प्राप्त कर सकता है। दूसरी तरफ अगर वह गोल्ड लोन का रास्ता अपनाता है तो बहुत कम समय में ही वह लोन प्राप्त कर सकता है। होम लोन भी कई प्रकार का होता है, जैसे होम की रिपेयर करने के लिए या होम को सेल करके नया लोन परचेज करने के लिए, लेकिन यह बैंक की तरफ से बहुत दिनों का निरीक्षण करने के बाद ही किसी भी कस्टमर को प्राप्त होता है। दूसरी तरफ अगर कस्टमर के पास गोल्ड है तो वह कम समय में मकान खरीदने के लिए भी गोल्ड लोन ले सकता है, और जितने दिनों को यूज करेगा गोल्ड लोन, उतने दिनों का उसको गोल्ड लोन में ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर हम होम लोन को देखें तो वहाँ एक निश्चित कर दिया जाता है ब्याज, कि आपको निश्चित ब्याज तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे आप उसको 6 महीने में लौटाओ या साल में लौटाओ, लेकिन आपको निश्चित ब्याज, निश्चित रकम जो हमने होम को परचेज करने के लिए ली है वह हमें देनी पड़ेगी। लेकिन बजाय गोल्ड लोन में हमें यह दिनों के आधारित पर दिया जाता है, इसलिए कस्टमर होम लोन लेने की बजाय गोल्ड लोन को ज़्यादा प्रेफर करेगा। अगर किसी के पास गोल्ड पड़ा हुआ है और उसने होम का रिपेयर करवाना है, अपने घर को मुरम्मत करवानी है, तो वो होम लोन लेने की बजाय गोल्ड लोन में, जो कि दिनों पर आधारित है, गोल्ड लोन को लेना ज़्यादा मुनासिब समझेगा। धन्यवाद दोस्तों।